अस्सलाम वालेकुम, आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, इवन कंप्लीट पीसी बिल्ड की वीडियोस भी लाते हैं। और काफ़ी सारे गेमिंग पीसी बिल्ड कंप्लीट जो हमारे पास किए गए हैं और अक्रॉस पाकिस्तान भेजे गए हैं, उनकी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आज हम फिर लाए आपके लिए एक और स्पेशल लेटेस्ट जनरेशन, जो कि 13th जनरेशन एग्जैक्टली ये मदरबोर्ड है। MSI ब्रांड की जानिब से प्रो B760M P मॉडल है DDR4 के साथ। तो इसकी करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, और आपको बताते चलेंगे इसी में ही एक एग्जैक्टली सेम ऐसा एक और बोर्ड आता है, जो कि थोड़ा प्राइस वाइज ज़्यादा बजट ओरिएंटेड है, यू कैन से। एंड इसका मॉडल है MSI प्रो B760ME, जबकि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है B760MP। और आपको ये बताते चलें कि ना सिर्फ ये प्रो सीरीज़ के मदरबोर्ड हैं, बल्कि ME की भी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह जल्दी हमारे इस चैनल पर आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसकी कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रो सीरीज़ यहाँ पे लिखा गया, और जो 700 सीरीज़ है मदरबोर्ड की, ये इंटेल के अंदर 760 एंड सो ऑन, ये 790 वगैरह, ये 13th जेन मदरबोर्ड हैं, जो कि बेसिकली बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी 12th जेन के साथ जिनकी ऑलरेडी मौजूद है। और आपको बताते चलें कि इसमें लाइटनिंग Gen 4 है, PCIe 4 है, लेकिन DDR जो है वो 4 RAM के साथ ये सपोर्टेड है। और मदरबोर्ड की बैक साइड पे आपको दिखाएं कि यहाँ पे इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स जो हैं वो मेंशनड हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट लाइटनिंग जेन 4 को मेंशन किया गया, और उसके साथ रिवर्सिबल टाइप सी USB जो है वो इसके साथ कंपेटिबल है, जिसका ये मतलब है कि आप नॉर्मल USB को USB टाइप सी के साथ रिवर्स मैनर में कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी बूस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि MSI की एक टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स प्रोप्राइटरी, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं। M.2 शील्ड फ्रोज़र इसके अंदर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे M.2 NVMe के ऊपर आपको एक हीट सिंक मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप मदरबोर्ड का ओवरऑल इंटरफेस देख पा रहे होंगे, जिसमें दो जो है वो NVMe स्लॉट्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये हैं कुछ इसके हाइलाइटेड फीचर्स, जबकि डिटेल फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनकी हम आपको जल्दी से डिटेल बता देते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। जबकि इस जानब यहाँ पर इस मदरबोर्ड का बैक IO पैनल का इंटरफेस आप देख पा रहे हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक, और यहाँ कुछ इसकी डिटेल टेक्निकल स्पेक्स मेंशन है, जो कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको जल्दी से हम कन्वे कर देते हैं। 12th एंड 13th जेन प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है, जिसमें LGA 1700 सॉकेट ऑफ कोर्स मौजूद है। चिपसेट में B760 चिपसेट है, एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। उसके साथ जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, इसमें एक PCIe 4x16 स्लॉट है, जो कि यहाँ पर आप आर्मर्ड स्लॉट ये वाली स्टील कोटिंग के साथ देख पा रहे हैं। दो जो हैं वो PCIe 4x1 स्लॉट्स हैं। डिस्प्ले इंटरफेस के अंदर आप जैसा कि यहाँ पे बैक IO शील्ड देख पा रहे हैं, इसमें आपको VGA पोर्ट मिलती है, डिस्प्ले पोर्ट मिलती है, और HDMI मिलती है। और उसके साथ साथ मेमोरी स्पोर्ट में 4 DIMM स्लॉट्स, मीन 4 RAM स्लॉट्स का ये मदरबोर्ड है, जिसमें डुअल चैनल DDR4 अप टू 4800 MHz ओवरक्लॉक करने के बाद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए दो M.2 Gen 4x4 जो है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो Gen 4 हैं, NVMe स्लॉट्स इसकी। इसमें 4 SATA पोर्ट्स के कनेक्शन मौजूद है, मीन ऑर्डिनरी जो SSD या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए। USB पोर्ट की बात करें तो एक USB 3.2 Gen 2 है, जो कि 10 GBPS तक डाटा को सपोर्ट करती है। तीन जो है वो USB 3.2 Gen 1 है, जो कि 15 GBPS डाटा को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड 8 जो है वो USB 2 को ये सपोर्ट करता है। लैन की बात करें तो रियल टेक RTL8111H गीगाबिट लैन इसके अंदर मौजूद है। जबकि ऑडियो की बात करें तो 8 चैनल 7.1 HD ऑडियो जो है वो ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसमें मौजूद है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी बैक IO पैनल की लुक एज टोल्ड अर्लियर। तो ये हैं इस मदरबोर्ड की स्पेक्स, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं, क्योंकि इसमें डुअल NVMe और दोनों की दोनों जो हैं वो जेन 4 हैं। इसके साथ 4 RAM स्लॉट्स हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स ये मदरबोर्ड जो है वो 13th जेन सपोर्टेड है, जो कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी में 12th जेन को भी डेफिनेटली सपोर्ट करता है। तो चलिए जल्दी से अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और आपके साथ शेयर करते हैं कि व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पर है जी B760MP प्रो मॉडल DDR4। इसको ओपन करते हैं तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी इनसाइड इज दिस मदरबोर्ड इटसेल्फ। और 4 RAM स्लॉट्स होने की वजह से ये मदरबोर्ड दूसरे M मॉडल की तरह छोटा नहीं है, बल्कि रिलेटिवली इसके डायमेंशन ज़रा बड़ी है। लेट्स कीप इट असाइड और देखते हैं कि व्हाट सेल्स देयर। यहाँ पे हमें एक बैक IO पैनल मिल जाता है, यू कैन सी इट हियर। दो जो हैं वो इसके अंदर SATA केबल्स हैं,
कुछ इसके अंदर ये क्विक इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स हैं और ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है जो कि मल्टी लिंगुअल है, और इसके साथ यहाँ पे हमें दो NVMe स्टैंड ऑफ्स और दो ही NVMe स्क्रू जो है वो एडिशनल इसके साथ मिल जाते हैं। सो दीज आर द एसेसरीज। तो चलिए जल्दी से मदरबोर्ड की लुक्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये है जी MSI Pro B760MP और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका जो मयार है वो आप सामने वाज़े तौर पे इसके कंपोनेंट से ही देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं कंपोनेंट स्प्लिट डाउन की तरफ। सबसे पहले बैक आईओ पैनल को देखते हैं। यहाँ पे PS2 कनेक्टर मौजूद है, HDMI पोर्ट मौजूद है, डिस्प्ले पोर्ट मौजूद है और उसके साथ VGA पोर्ट जो है वो भी इन्होंने इसके अंदर दी हुई है। USB हैं इसके साथ, गीगाबिट का इंटेल का लैन है, यहाँ पर USB 3 है, यहाँ पे USB टाइप सी है और ये इसके HD ऑडियो हैं। मदरबोर्ड के इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले LGA 1700 जो कि इसकी लेजेंडरी स्लॉट है। लेजेंडरी इसको इस वजह से कहना चाहिए कि इट्स द जनरेशन 12 जनरेशन और 13 जनरेशन तो स्पेसिफिकली, लेकिन 12 जनरेशन वो है जिसने काफ़ी हद तक राइजन प्रोसेसर्स को बीट किया था। यहाँ पे इसकी 4 रैम स्लॉट्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे USB 3 मिल जाती है, 24 पिन ATX कनेक्टर मौजूद है, जबकि यहाँ पे सिस्टम फैन हेडर आप देख पा रहे हैं, CPU फैन कंट्रोलर है, 8 पिन CPU पावर कनेक्टर है। और अगर हम इस जानब चलते हैं तो यहाँ पे आप इसकी M.2 शील्ड फ्रोज़र जिसको कहा गया था वो देख पा रहे हैं, क्योंकि ये NVMe फर्स्ट स्लॉट जो है ये भी Gen 4 है और सेकेंड वाली भी Gen 4 है, लेकिन यहाँ पे आपको हीट सिंक प्रोवाइडेड है। इसके साथ PCIe 16 है, यहाँ पे दो PCIe स्लॉट्स और हैं और ये जो है वो सेकंड NVMe स्लॉट है जो कि ऑलरेडी जेन 4 है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑडियो कैपेसिटर्स, ऑडियो कनेक्टर, 4 पिन ARGB हेडर, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ़ैन के लिए पोर्ट्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे आप इसकी दो साटा पोर्ट्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे और दो जो हैं वो साटा पोर्ट इस जानेब है। मेन टोटल जो है वो 4 साटा पोर्ट यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ हीट सिंक जो है वो इसका मदरबोर्ड का बिल्ट इन यहाँ पे मौजूद है, USB 3 मौजूद है, 24 पिन ATX कनेक्टर है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये मदरबोर्ड जो है वो टेक्निकली 12700 13700 तक सफिशेंटली जो है वो सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज इससे ऊपर अगर आप इसमें कोई प्रोसेसर इंस्टॉल करने हैं तो लगने को तो लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चूँकि बेटर VRMs रिक्वायर्ड होती हैं तो इस वजह से अप टू 13700 के तक दिस मदरबोर्ड इज़ सफिशेंट एनफ टू अकोमोडेट दिस काइंड ऑफ प्रोसेसर। और यहाँ पर आप इसकी VRMs जो हैं वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल्स ये वो देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप इसका एक ज़बरदस्त फीचर जो कि इजी डीबग LED है ये देख पा रहे होंगे। इजी डीबग LED जो है वो अगर इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर माल फंक्शन या हार्डवेयर फेलियर, यहाँ पे एक स्पेसिफिक LED जो है वो ऑन हो जाती है जिसको रीड करने के बाद यू कैन इजीली इंटरफियर के कौन सी जो है वो कंपोनेंट आपका माल फंक्शन कर रहा है। इन शॉर्ट ये कि 13 जन प्रोसेसर्स के लिए ये मदरबोर्ड जो है वो डेफिनेटली एक हाईली कंसीडरेबल ऑप्शन है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मदरबोर्ड है इन तमाम कंपोनेंट्स के साथ जो आपको दिखाए गए हैं। और अगर आप ये मदरबोर्ड बाय करना चाहते हैं, उसको अवेल करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर शोन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस मदरबोर्ड को अवेल कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कम्प्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप इस तरह की मजीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड के वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जनरेशन के कंपोनेंट्स हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।